खबर दीनों हजरात, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि जिस तरह से लाहौर, शहर लाहौर पाकिस्तान का दिल है, उसी तरह से ये होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर लाहौर का दिल है। क्या आप इत्तफाक करते हैं? और इस होटल में हशवानी साहब ने हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो गैलरी सजाई है, वो अपनी जगह एक अजीम काम है। और इसी होटल में हशवानी साहब ने इंतहाई बेश कीमत फानूस, खूबसूरत फानूस इस होटल के लिए मुख्तस कर दिए हैं, जो आप सब देख रहे हैं कि अभी लाइट अप किए गए हैं। और ख्वातीनों हजरात, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गैलरी के हवाले से जो हशवानी साहब के दिली जज्बात हैं, उसकी तर्जमानी इन खूबसूरत और बेश कीमत फानूस की शक्ल में नज़र आ रही है। इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगी हमारे मुल्क की एक बहुत ही नामवर गुलकारा, एक बहुत खूबसूरत लेगेसी लेकर आगे चल रही हैं। शी हरसेल्फ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ मल्टी टैलेंटेड लेडी, बहुत बड़ी माँ की बेटी हैं, एक लेजेंडरी सिंगर सुरैया मुल्तानिकर की बेटी हैं, और बहुत ही यंग एज में उन्होंने तमगा इम्तियाज हासिल किया। प्लीज़ वेलकम राहत बानो मुल्तानिकर। कलाम एक बार पेश करूँ। रिश्ताओं में बंद, भूतानी
थैंक यू राहत बानो मुल्तानिकर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीनों हज़ार, आज 5 साल के लंबे अरसे के बाद हमारे दरमियान वो बिजनेसमैन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कुल कायनात पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की कौम की तरक्की की मोहब्बत में सर्व कर दी। माजी की हुकूमतों ने उनके साथ बहुत जुल्म किए, बहुत सी ज्यादतियाँ हुई उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने जज्बाए हुब्बुल वतनी और कौम के दर्द को महसूस करते हुए हमेशा पाकिस्तान में होटल्स की शक्ल में कौम और इस मुल्क की तरक्की और बेहतरी का सोचा। याद करें गवादर की वो इन्वेस्टमेंट, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत होटल बनवाया हशानी साहब ने गवादर में भी, लेकिन खैर आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन दिस डिड नॉट डैम्पन हशानी साहब स्पिरिट, और आज भी इस वक्त वो अनाउंस करेंगे कि पाकिस्तान में वो मज़ीद 3 होटल की शक्ल में इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इन होटल की तामीर से हशवानी साहब का वो जज्बा जो कि एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी का जज्बा है एक मुंह बोलता सबूत है। बहैसियत पाकिस्तानी हशवानी साहब का जो जज्बा आज हमें नज़र आ रहा है, हमेशा नज़र आता रहा है, वो यकीनन काबिले कदर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू कॉल अपॉन द चेयरमैन ऑफ द हाशू ग्रुप मिस्टर सदरुद्दीन हशवानी। प्लीज वेलकम हिम, सर प्लीज कम टू द पोडियम एंड सर प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर स्पेयरिंग हिज वैल्युएबल टाइम टू बी विद अस दिस इवनिंग टू पे ट्रिब्यूट to Hakimul Ummat and Shahar-e-Mashrak Allama Iqbal Rahmatullah Alay, and thank you for everyone coming over and making this memorable evening. Allama Iqbal ki zindagi aur unki shayari par duniya mein kahi shobe hain aur mere unke liye ज़ात के लिए के हवाले से कुछ कहना ऐसा है जैसे सूरज को चराग दिखाना है। अल्लामा इकबाल एक सूफी कलंदर और मॉडर्न टाइम के एक मुस्लिम फ़िलोसोफ़र थे जिनकी फ़िलोसफ़ी ने मुसलमानों में आज़ादी की एहसास पैदा किया। अल्लामा इकबाल की गुलामी ने डूबी हुई कौम को गैरतमंद और आज़ाद कौम बनाने की मोटिवेशन दी। उनकी शायरी ने दुनिया के हर इंसान को फ्रीडम का एहसास दिया। अल्लामा इकबाल की याद में ये तकरीब अरेंज की गई है। मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि हम अपने बच्चों और फ्यूचर जनरेशन को अल्लामा इकबाल की कंट्रीब्यूशन और उसके विजन को पढ़ाएं, में समझकर सीखें कि जिस वजह से आज हमें एक खूबसूरत पाकिस्तान मिला, मगर अफसोस है कि बात ये 65 बरस में हमने पाकिस्तान को क्या दिया। ये वक्त जागने का है और हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो पाकिस्तान मिले जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और अल्लाह सुभान अल्लाह ने करम से कायद आज़म की लीडरशिप में ये पाकिस्तान बनाया। आज ज़रूरत है कि हम अल्लामा इकबाल के ख्वाब को
और उनके थॉट्स को रोज़ याद करें और एक गैरतमंद कौम बनकर उठें। मैं अपने पर्सनल कलेक्शन से लीजन आर्टिस्ट सादिकन की खूबसूरत पेंटिंग को पब्लिक के लिए ये डोनेट कर रहा हूँ कि लोग अल्लामा इकबाल को हमेशा अपने सामने रखें और उनकी सोच को अपनी सोच बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।